फाइटर आप लोग जो है काबिल बने और अच्छे से तरक्की करें, आपके जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करें। तो इस क्रम में फाइटर बिजनेस की ट्रेनिंग तो चलिए हो जाती है, फील्ड में आप लोग सर लोग से मिल लेते हैं, सुन लेते हैं उनको और जानने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है और हेल्थ के बारे में जो जानकारी होती है वो समय समय पे, मतलब आजकल थोड़ा लंबा गैप हो जा रहा है, बट पहले हम लोग थोड़ा जल्दी मिल लेते थे, बट आजकल संख्या ज्यादा है टीमों की, इसलिए थोड़ा गैप ज्यादा है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं महीने में एक बार तो मिल ही लेते हैं। तो जो भी संस्था के प्रोडक्ट हैं और हेल्थ के बारे में जो जानकारी होती है वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। सो फाइटर देखिए, आज हमारी संस्था जो है इन प्रोडक्ट के कारण ही हमने एशिया से यूरोप तक का सफर कवर किया है, और आज यूरोप में भी इन प्रोडक्टों की बदौलत ही हमारी जो इंडस्ट्री है यानी जो हमारी संस्था है इसको एक बेहतरीन अवार्ड मिला। तो ये प्रोडक्ट की ब्यूटी है, हमने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का हमेशा से प्रयास किया है, आगे भी जारी रहेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इन प्रोडक्टों को अगर हम बेहतर तरीके से सीख लें और जान लें कि प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं और किस तरीके से कौन सा एक बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि देखिए जीवन में सभी व्यक्तियों को, चाहे पुरुष हो महिला हो, हेल्थ का इश्यू तो है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जाने अनजाने में गलतियां कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। अब नहीं पता तो हमें, तो हमारा अगर ये काम है उनको समझाने का, तो पहले हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या चल रहा है कि भाई इतना परेशानी दिक्कत सब लोग को हो रहा है। हम अपने यंग एज में सोचते हैं कि यार बुढ़ापे में शुगर ना हो, पता चल रहा है कि 50 साल में शुगर ब्लड प्रेशर हो गया है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये चीजों को थोड़ा सा समझा जाए और समझने का प्रयास किया जाए, और साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट है इसके क्या काम है उसको समझा जाए। तो प्रोडक्टों को समझने से पहले आपको थोड़ा हेल्थ समझना पड़ेगा, एक्चुअली शरीर को क्या जरूरत है और हम उसको क्या दे रहे हैं। तो इस बातों को थोड़ा सा समझ ले तो हमें बहुत सारी बातें तो वैसे ही क्लियर हो जानी है। अब देखिए हमारे आसपास की जो दिक्कत परेशानियां हैं उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि शरीर को क्या क्या चाहिए। अब देखिए हमारे शरीर का जो रूल बुक होता है ना, जैसे किसी भी जगह को या किसी भी जगह पे काम करने का या कहीं भी एक रूल बुक बनता है कि भैया इसको ऐसे ऐसे काम करना है, तो हमारे शरीर का भी एक रूल बुक बना हुआ है। अब ये किसने बनाया है, ये नेचर ने बनाया है और बाकी जैसे भी बना है, क्योंकि हमें अपने बॉडी को नेचर के साथ ही मेंटेन करके चलना है। अब इस रूल बुक के अकॉर्डिंग जो है आपके शरीर को क्या क्या चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस की भाषा में अगर मैं बात करूं फाइटर, तो साइंस की भाषा में हम लोगों को कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि हम लोग जो रोटी वगैरह चावल वगैरह खाते हैं तो क्यों खाते हैं, कुछ और खा लेते, तो भाई ये आपको, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये ऊर्जा आपके शरीर में देता है ताकि आप दिन भर में जो काम करते हैं कर पाए। दूसरे नंबर पे प्रोटीन नाम की चीज होती है, जैसे दूध दूध ले लेते हैं, पनीर वगैरह, अंडे वगैरह, चने वगैरह, बहुत कुछ है। तो प्रोटीन से क्या है कि आपके शरीर में विकास होता है, ग्रोथ, बॉडी का जो भी कुछ बनेगा प्रोटीन से ही बनेगा। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा हमें फैट चाहिए होता है। फैट क्या होता है कि देखिए शरीर में थोड़ा सा कई बार ऐसा ऊर्जा ऊर्जा की कमी रह जाए तो स्टॉक में जमा रहता है, वहां से मिल जाता है, तो काम जरूरी है इसका भी। चौथे नंबर पे सबसे जरूरी चीज होता है पानी और फल और जूस। फल और जूस को हम लोग फाइबर बोलते हैं, साइंस की भाषा में उसको फाइबर बोला जाता है, और पानी तो देखिए सबसे जरूरी है। तो ये दोनों चीजें अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी तो इसका असर पड़ता है। अब क्या असर पड़ेगा अभी बताता हूँ आप। और पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको मिनरल्स बोला जाता है, जैसे कैल्शियम का नाम सुना होगा, आयरन सुना होगा आप लोगों ने, फॉस्फोरस सुना होगा, जिंक सुना होगा, इनको मिनरल्स बोला जाता है, भोजन के थ्रू ही जाता है शरीर में। और एक होता है विटामिन्स, तो विटामिन्स जैसे आपने विटामिन सी सुना होगा, डी सुना होगा, आपका B12 सुना होगा, तो ये सारे। अब ये पांचों तत्व तो जो होते हैं आपके शरीर को समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक संतुलन में ये शरीर को मिलने चाहिए। अब हो क्या रहा है कि शरीर को चाहिए ये और हम दे क्या रहे हैं, कुछ और ही चीज दे रहे हैं, और यही चीज अगर दे भी रहे तो बहुत ज्यादा मात्रा का डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे शुगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, डायबिटीज क्या है, ये आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट ही तो बढ़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, आप जो रोटी चावल खाते हो ग्लूकोज ही तो मिल रहा है, वही बढ़ रहा है, तो मतलब संतुलन बिगाड़ दिया हमने। दूसरा प्रोटीन, अब आपके प्रोटीन शरीर में कम कर दिया जाए तो आपके शरीर का विकास वैसे ही कमजोर हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी उसका कई बार असर पड़ना बॉडी में शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे फैट, बहुत ज्यादा तो चाहिए ही नहीं, और बहुत ज्यादा हुआ तो आप देख लीजिए क्या है, मोटापा, उसी से कोलेस्ट्रॉल, फिर उसी के वजह से बाकी शुगर, फिर उसी के कारण आगे गठिया, दैट इज द प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप फाइबर और पानी की बात करिए तो आज सबसे ज्यादा जो पेट की समस्याएं होती हैं क्यों होती हैं,
आप कुछ गलत खा ले, तो ये तो देखो गलत खाना कभी काल हो जाता है ना। ज्यादातर हमारे बॉडी को जो फाइबर चाहिए है ही नहीं, फाइल्स क्या चीज है, ऐसे कहीं टपक के नहीं आया बाहर से, ये आपके शरीर का ही देन है कि आपने वो चीज कम कर रखा है, इसके कारण वो हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, फाइबर वाटर ये सब कम है शरीर में, और सबसे आखिरी जो चीज है वो तो पूरा गेम ही चेंज कर देता है, विटामिन्स और मिनरल्स। आप देखिए कि आयरन नहीं शरीर में तो खून बनना ही मुश्किल है, B12 नहीं तो भी ब्लड नहीं बनेगा, ऊपर से अगर कैल्शियम को कम कर दिया जाए, विटामिन डी को कम कर दिया जाए, तो हड्डियां ही नहीं बनने वाली, दिस इज द प्रॉब्लम। तो भाई ये बिगड़ क्यों रहा है, इसको हमें बिगाड़ना नहीं, हमारे रूल बुक में लिख दिया गया कि भाई इसको संतुलन में रखना है, और जब तक ये संतुलन में रहेगा, आप के ऊपर अगर ईश्वर की कृपा है तो कोई बीमार आपको नहीं कर सकता। बट हम लोग इन चीजों से कई बार अनजान ही रहते हैं, हमें लगता है यार एक जीभ के चक्कर के वजह से पूरे शरीर को हम नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है। तो हमें थोड़ा सा इस बातों का भी ध्यान रखना है, और देखिए ये बातों का लोग ध्यान नहीं रख पा रहे, इसके लिए ही तो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। अब कहाँ हम लोग जंगल झाड़ी में जाके जड़ी बूटी घूमते रहे, कोसते रहेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई आज के टाइम पे, और हमें पता भी नहीं एक्चुअली। पहले के तो लोगों को थोड़ा बहुत नाम भी पता होता था, आजकल तो वो भी नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ रस काढ़ा क्वाथ ये सब बनाए जो वेलनेस केयर के प्रोडक्ट है। उसके बाद शरीर में जो कमियां वगैरह है उसको भी थोड़ा पूरा करा जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़े से फूड केयर के प्रोडक्ट्स बना दिए, और बाकी के जो बेसिक कैटेगरी है एग्रीकल्चर, होम केयर, हेयर केयर, रूरल केयर, तो ये बेसिक है। तो अपना पूरा जो बिजनेस है ना इन्हीं पे टिका हुआ है, और आप इन बातों को अगर बड़े अच्छे से समझ रखते हैं तो देखिए जो बात आप बोलोगे वो क्रिस्टल क्लियर लोगों को समझ आएगा। तो हमारे पास उस बातों को बोलने का थोड़ा सा तर्क होना पड़ेगा, तो वो चीज आपको ट्रेनिंग से ही डेवलप हो पाएगा और कहीं से डेवलप नहीं होगा। हाँ आप थोड़ा खुद पढ़ लो वो अलग बात है, बट नहीं तो हमें यहां से ही डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। अच्छा आपने ये तो समझ लिया कि संतुलन बिगड़ गया है, बट बिगड़ा कैसे ये तो मैं बता ही नहीं पाया। अब देखो बिगड़ा कैसे ये आपको ही पता है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस एक दो वाक्यों में मैं सार बता देता हूं कि आज हमारे दुनिया में भी और पूरे भारत का अनाज उगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि भूखे किसी को सोने नहीं देना। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्वांटिटी को हमने भले बढ़ा दिया है, अलग अलग नए वैरायटी के जो अनाज की सीड्स है वो हमने ले आए हैं, और उनको बहुत सारा फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको ग्रो करने के लिए, तो क्वांटिटी तो हमने बढ़ाई है बट क्वालिटी हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और यही कारण है कि आपको अगर थोड़ा बहुत कभी न्यूज़पेपर वगैरह कभी देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं भारत सरकार ये करती है कि हम जो अपने ओरिजिनल वैरायटी के जो सीड्स उसको प्रिजर्व करें ताकि उसका भी हम थोड़ा लाभ ले पाए। आज हमारा जो एग्रीकल्चर उसको भी हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जीरो फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि भाई स्वस्थ जो अच्छी चीज होगी और अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में जाए, ताकि जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है चाहे शुगर गड़बड़, हार्ट की समस्या या बॉडी में पोषक तत्व की कमी, इनको पूरा किया जाए। और थोड़ा सा काम तो हमें करना है, हमारे हाथ में जो काम है, जैसे हम अपने भोजन का चयन क्या करेंगे वो बिल्कुल प्योरली आप पे डिसाइड करेगा, आप क्या खाना पसंद करते हो। तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रूल बुक मैंने आपको समझा दिया है, उसके इर्द गिर्द खा लीजिएगा, कभी काल ऊपर नीचे हो जाए वो ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो हमारे डाइट में चला आता है रेगुलर डाइट में, देन वो परेशान करेगा। तो इन्हीं पे सारी बातें होनी है। चलिए तो आज क्या क्या करेंगे फाइटर, आज हमें फूड केयर से स्टार्ट करना है। वेलनेस केयर के हमने टोटल 46 प्रोडक्ट कवर कर चुके हैं, पिछले दो ट्रेनिंग में हम लोगों ने वेलनेस केयर के 46 प्रोडक्ट कवर किए थे, बहुत सारी बातें हमने पिछले दो ट्रेनिंग्स में करी थी, तो आज उस क्रम में आगे बढ़ा जाएगा। फूड केयर के एक एक प्रोडक्टों को बारीकियों से समझा जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या फायदा करता है, कौन सी समस्या में प्रयोग होता है, क्या परहेज रखना चाहिए, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में भी आपको पहले पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जस्ट नोट डाउन करिए, कुछ चेंजेस आपको लगते हैं तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए तो मैं आपके बीच में एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, गिव मी जस्ट 10 सेकेंड।
ओके सो फाइटर, आप सभी के स्क्रीन पे जो है मैंने एक स्लाइड जो है डाल दी है। अब देखिए कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो नए हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फाइटर कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं थोड़े भारी भरकम, तो घबराइएगा नहीं। वो भारी भरकम शब्दों का एक्चुअली हमें कई बार थोड़ा उपयोग करना पड़ जाता है, तो वो मे बी आपको थोड़ा समझने में तकलीफ हो। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बातों को सुनिए, बहुत सारी 80% बातें आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएंगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा 100% बनाने का। दूसरी बात, जो भी चीजें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं तो उसको लिख लिया कीजिए। जब ट्रेनिंग आप रेगुलर लोगे तो शब्दों का हेर फेर चलता रहता है, अब कई सारे शब्द रिपीट हो जाते हैं तो फिर वो आपको थोड़ा सा आदत बन जाएगा, तो आपको खुद वो बात धीरे धीरे समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो फाइटर बेरी डॉग जूस है, ये फूड केयर का पहला प्रोडक्ट है। फूड केयर में टोटल 56 प्रोडक्ट हमें करने हैं और 56 में आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। कोशिश जारी रहेगी कि जितना ज्यादा हो पाए करें, बट कोई जल्दीबाजी नहीं हो। तो बेरी डॉग जूस क्या चीज है? फाइटर देखिए, बेरीज एक फैमिली है। इस बेरीज के अंदर में अलग अलग फलों का नाम होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है, कीवी होता है, आपका ब्लैकबेरी होता है, क्रीनबेरी होता है, ये सब एक ही फैमिली के फल हैं, लेकिन इन सभी फलों के गुण अलग अलग है। अगर कॉमन मतलब एक मेन गुण अगर देखा जाए कि इनमें क्या क्या मेन फायदे होते हैं, उसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, सभी के शरीर में, ऐसा नहीं कि केवल मेरे में बनेगा और किसी में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सभी के शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इसका हमारे शरीर पे पूरा नुकसान होता है। अब चाहे कोई भी समस्या के आप नाम ले लो, फ्री रेडिकल हमेशा हमारे शरीर को परेशान करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे प्रोडक्टों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के कई सारे प्रोडक्ट हैं। और ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं ये सारी बातें भी मैं करूंगा, थोड़ा इंतजार करिए। तो बेरी डॉग जूस जो होता है इसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके फ्री रेडिकल को कंट्रोल कर लेगा। दूसरा नंबर, दूसरा इसके फायदे अगर बात की जाए तो विटामिन। देखिए फलों में अगर विटामिन की आप बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी जो विटामिन होता है उसको हम बोलते हैं विटामिन ए, जो स्किन के लिए जरूरी होता है, आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। इवन विटामिन ई भी बेरीज में बहुत मिलता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है स्किन के लिए सबसे ज्यादा। आप देखोगे जितने भी स्किन प्रोडक्ट होंगे विटामिन ई और सी के बिना वो काम नहीं कर सकते, उनको मतलब उनमें डालना ही पड़ेगा, तो वो रहते ही रहते। इसके अलावा फाइबर, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको क्या समझाया, हमारे शरीर को फाइबर जरूरी है, तो जूस क्या होता है, फाइबर ही होता है। आप जब इसको लेंगे तो बॉडी में मदद मिलती है, खास करके हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब ये तो रहा इसका खासियत, अब इसका प्रयोग कैसे करें और कहाँ पे करें वो जानना जरूरी है। फाइटर अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है फाइटर कि जब भी किसी को शुगर वगैरह रहे ना, तो आप बेरी डॉग जूस थोड़ा सा ना ही दे तो बेटर है। हमारे पास और भी ऑप्शन है तो मैं आपको बता दूंगा, बट शुगर में बेरी डॉग जूस मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि कई बार शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोग फिर हमें नहीं कुछ ज्यादा पता होता है तो हम फिर घबरा जाते हैं कि अरे बंदे का शुगर क्यों बढ़ रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी तो आपको जिधर देना है बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी भी फलों की बात की जाए और हार्ट के लिए सबसे अच्छे फल की बात की जाए, देखिए हर फल की अपनी ब्यूटी है, कोई फल हमारे शरीर के किस हिस्से पे काम करेगा ये अलग अलग फलों का नेचर होता है, लेकिन बेरीज जो होते हैं ये सबसे अच्छे फल माने जाते हैं हमारे हार्ट के लिए। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट के कारण। हार्ट की ज्यादातर समस्या इन्हीं फ्री रेडिकल के कारण ही तो है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रहता हो, कोलेस्ट्रॉल रहता हो, ब्लॉकेज रहता हो, तो कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं और इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या प्रयोग होता है वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहले नंबर पे फाइटर हम लोग उपयोग करेंगे कार्डियोडॉग, 20 ml 2 बार खाने के बाद उसको प्रयोग में लीजिए। कार्डियोडॉग रस लेने के थोड़ी देर बाद आप जो है नोनी का उपयोग करिए या बेरी डॉग जूस, नोनी या बेरी डॉग जूस। शुगर बढ़िया है तो बेरी डॉग चलाइए, नहीं तो नोनी चलाइए। तीसरे नंबर पे जो है आपको एक चाहिए होगा तुलसी।
फाइटर देखो, तुलसी जो होता है क्षारीय होता है, तो जरूरी होता है ब्लड के लिए। तो आप एक ड्रॉप दो ड्रॉप, ऐसा नहीं कि तुलसी हम ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे भाई, ऐसे नहीं, उसका काम है इसलिए दिया जा रहा है। तो उसको कैसे लेना है, जैसे एक दो ड्रॉप पानी में मिक्स करके या बॉटल वोटल बना लिया उसमें रख के पी रहे, जैसा नहीं। और चौथे नंबर पे एक विटामिन यूज करिए, विटामिन के प्रोडक्ट आज की ट्रेनिंग में बताऊंगा, या तो मोरी डॉग या विटा डॉग या डेलीट, कोई भी एक। ये चार प्रोडक्ट अति आवश्यक हैं, इनको आपको बिल्कुल देना चाहिए। इन चारों के अलावा दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लिख लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो बिल्कुल दे दीजिएगा, दोनों में से एक ही देना होता है। जैसे एक प्रोडक्ट आता है अर्जुन की छाल का कैप्सूल, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है स्पेशली हमारे हार्ट के लिए, तो वो आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अर्जुन की छाल की जगह पे आप चाहो तो ओमेगा डॉग कैप्सूल ही प्रयोग करो, वो बेस्ट है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बनेंगे, इनको आप उपयोग करिए। और थोड़ा सा देखिए क्या है, डाइट रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब रूल बुक तो आपको समझ आ गया ना, जब रूल बुक बोला जाए तो मतलब स्टार्टिंग में याद कर लीजिएगा कि क्या बोला था। तो थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फैट से बढ़ता है, और थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन डाइट क्योंकि फैट ज्यादा होता है, तो इनको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो दिस इज वेरी डॉग जूस, इसका पहला यूज। दूसरा, त्वचा तो स्किन फाइटर, वैसे तो हमारे पास स्किन के लिए काफी प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन मैं कुछ खास प्रोडक्ट ही आपको बताता हूँ। जैसे क्या है कि देखिए, हमारी त्वचा पे, त्वचा अगर खराब हो जाए, ज्यादा पिंपल्स के कारण दाग बने, या थोड़ा सा कह लीजिए कि फाइटर छाइयां आ जाएं, तो ये किसी को क्यों होता है, कभी हमने सोचने का प्रयास किया ये हो क्यों रहा है? देखिए भाई, शरीर में जो चीजें चाहिए आप नहीं है तो उसका असर आपके शरीर पे पूरा दिखता है। अब हमारे शरीर को, स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, फाइबर चाहिए, विटामिन ए चाहिए। अब ये तो शरीर में है ही नहीं, तो आप खुद बताइए ना, आप लाखों रुपए खर्च कर दो अपने स्किन ट्रीटमेंट पे, वो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शरीर जड़ इधर शरीर के अंदर है, उधर से कुछ मिल ही नहीं रहा। तो जब भी कभी त्वचा की बात आती है, तो जो भी आपको लगाने का प्रोडक्ट है, अब जैसे मैं दाग धब्बों की बात करता हूँ, छाइयों वगैरह की बात करता हूँ, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट है, जैसे स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश है, एलोवेरा सैफ्रन जेल होता है, देन आपका फेस पैक होता है, एंड पुरुषों का डे क्रीम है, महिलाओं का फेनेस क्रीम है। ये तो अगर लगाने के हो गए, लेकिन पीने में जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही सबसे ज्यादा काम करेंगे। और वो क्या है, अगर आपने किसी को शॉर्ट 30 दे दिया तो फिर और कुछ मत दीजिए, हो गया। शॉर्ट 30 तो मतलब पूरी बॉडी के लिए होता है ना, और स्किन के लिए तो मतलब सबसे ज्यादा नंबर एक है। शॉर्ट 30 नहीं प्रयोग किया, कोई बात नहीं, एलोवेरा खाली पेट यूज करिए, उसके साथ नोनी या बेरी डॉग जूस लगाइए, तो इनसे भी काम हो जाता है बहुत। और अच्छा है तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक ले लीजिए, वो स्किन के लिए बड़ा बेस्ट है, तो सेल को खराब होने से रोक देता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप स्किन वगैरह की समस्या में उपयोग में ला सकते हैं। सो दिस इज डन, आगे बढ़ा जाए अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, जो प्रोडक्ट अभी मैंने बताया था बेरी डॉग, वही प्रोडक्ट है, बट कैप्सूल है ये। तो अंतर देखिए कुछ भी नहीं है, जो फायदा जूस करेगा वही कैप्सूल करेगा बस। तो जिनको जो समय पे मिल जाए वो आराम से इस प्रोडक्ट में से जो भी ठीक लगे आराम से अपना ले लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। दोस्तों, ब्राह्मी क्या चीज होता है? तो ब्राह्मी को याद रखने के लिए आप ज्यादा परेशान मत हो, बी का मतलब होता है ब्रेन और बी का मतलब ब्राह्मी, तो ब्राह्मी का सबसे ज्यादा काम आपके ब्रेन के लिए ही होगा। आज देखिए कि हम सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमें ब्रेन की कोई समस्या ना हो। अब देखिए, कुछ समस्याएं जिससे 80% पॉपुलेशन परेशान है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, खास करके पुरुषों में बहुत होता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपको अचानक से हो रहा है, देखिए जब हमारा स्ट्रेस रहता है, आपके ब्रेन के नसों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाता है, तो भाई हाइपरटेंशन तो होगा ही होगा, और इसी के कारण फिर आगे जाके और भी ब्रेन की समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए, एक सीधी बात है कि ब्राह्मी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये सावधानी के लिए भी है और किसी पर्टिकुलर समस्या में प्रयोग भी होगा। तो अगर हमें अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो कुछ प्रोडक्टों का हम थोड़ा उपयोग कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी है, जिनसिंग है, ये आपको रिलैक्स रखने का काम कर सकते हैं स्पेशली ब्रेन के लिए। और दूसरी बात, याददाश्त, ब्राह्मी का सबसे ज्यादा उपयोग हम करते हैं फाइटर याददाश्त वगैरह में, मेमोरी वगैरह में।
तो मेमोरी वगैरह के लिए हम कौन से प्रोडक्टों का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बताया था, बट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जो होते हैं उनकी मेमोरी, सोचने की समस्या, याद रखने की क्षमता, ये बीमारी के कारण नहीं है, बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा। कई बार सही पोषण नहीं जाते, शरीर का विकास नहीं है, ब्रेन का विकास नहीं है, तभी तो उनको दिक्कत है। तो उसके लिए तो देखिए, एक बेसिक प्रोडक्ट है किड्स टॉक रस, 10 ml, क्योंकि उसमें ब्राह्मी वगैरह पड़ा होता है, और 5 से 10 ml ब्रेन टॉक, उसमें ब्राह्मी वगैरह पड़ा है, तो उन्हीं दो से काम चल जाए, बच्चों को और कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉर्मल अगर थोड़ा सा मेंटल स्लो है ना, तो आप वही दे दीजिए। लेकिन जब बड़ों की बात आएगी, बड़ों की समस्या अलग होती है। अब देखिए, बड़ों को भी भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त कमजोर होने से हो जाते हैं, जिसका नाम अल्जाइमर और डेमेंशिया होता है। डेमेंशिया बहुत ही हाई एडवांस स्टेज है, उसमें कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन ये चीजें एक ही रात में नहीं होती हैं, समय लगता है इन चीजों को होने में, और पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो सर, इसका फिर क्या करें? तो इसका केवल देखिए थोड़ा सा प्रयास ये किया जाए कि वो स्लो हो जाए, स्पीड जो है स्लो हो जाए, थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स रखे, ताकि वो चीजें और डेवलप ना हो, एटलीस्ट जहां तक है वहीं पे कंट्रोल रहे। तो अपने जो प्रोडक्ट है वो काम कर सकते हैं, कौन से? ब्रेन डॉक है, यूज करिए 15 to 20 ml, नोनी 20 ml दो बार हो सकता है, नोनी के साथ जो है आप या तो करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, करकी डॉग का कैप्सूल भी आता है, कोई एक ले लीजिए, ड्रॉप 1 ml है 3 बार, कैप्सूल जो है एक ही लेना होता है, तो दोनों में से एक, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यही चाहिए होते हैं। उसके बाद मैं तीन ऑप्शन आपको बता देता हूँ, उनमें से कोई एक यूज करिए। जैसे शिलाजीत, शिलाजीत का बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, एंड शिलाजीत जो होता है फाइटर, खास करके हमारे बॉडी को खराब होने से रोकता है, तो वो ब्रेन के लिए भी काम आता है शिलाजीत, नहीं तो जिनसेंग हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिनसेंग नहीं तो ब्राह्मी, इन तीनों में से कोई भी एक, और तुलसी वगैरह, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप प्रयोग करें तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आप समझा है इन चीजों को, क्योंकि इसका देखिए 100% रिजल्ट अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ है, तो हमें इसको बचाव पे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट और बाकी की समस्या का क्या समाधान। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है करकी टॉक ड्रॉप। हमारे पास ड्रॉप भी है, कैप्सूल भी है, तो दोनों को आप एक ही जगह लिख लीजिए, करकी टॉक ड्रॉप और करकी टॉक कैप्सूल। अब देखिए क्या है कि इसकी हिंदी में इसको कुर्की टॉक ड्रॉप बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़ना, फायदे समझ लेते हैं। अब आप चाहे कुर्की टॉक बोल लीजिए या करकी टॉक, क्योंकि एक्चुअली हल्दी जो होता है, हल्दी के अंदर जितने भी औषधीय गुण पाए जाते हैं वो किसके कारण पाए जाते हैं? वो कर्क्यूमिन के कारण पाए जाते हैं। कर्क्यूमिन एक तत्व तो हल्दी में ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता, और कर्क्यूमिन से ये प्रोडक्ट करकी डॉग ड्रॉप बना है, पहला नंबर। दूसरा, जब आप किसी को अप्रोच करोगे देने के लिए, तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, इवन आपके भी मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर घर में तो हल्दी है ही है, हम दाल में खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, जो चीज बनाए उसमें डाल के खाते हैं, तो किस बात की जरूरत है? तो आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि जितना आप खाते हो पहली बात तो वो सफिशियंट ही नहीं है, वो बहुत ही कम है। ऊपर से हल्दी जितना फायदेमंद होता है, यानी कर्क्यूमिन जितना फायदेमंद होता है, शरीर उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, गया बाहर निकल गया, रुकता ही नहीं है शरीर में, इसीलिए इसकी मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है। तो आप जो घर में लेते हो वो तो बिल्कुल ही सफिशियंट नहीं है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसलिए ज्यादा चाहिए। तो आप इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, ऑलराउंडर तो आप जानते हैं क्या होता है ऑलराउंडर, कहीं भी लगाइए। हाँ, तो वही प्रोडक्ट है करकी डॉग ड्रॉप, क्योंकि इसका देखिए अभी मैंने ब्रेन के फायदे के लिए बताया, एंटीऑक्सीडेंट होता है तो ब्रेन में मदद कर लेता है, उसके बाद एंटी कैंसरस होता है तो कैंसर के प्रोडक्ट में लगा लेंगे, उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सूजन वगैरह दर्द वगैरह को कम करता है, तो अभी कुछ देर बाद जो है हम गठिया के प्रोडक्ट में यूज कर लेंगे। तो भाई इसका बहुत सारा प्रोडक्ट फायदा है, तो मैं आपको खुद ही कॉम्बिनेशन में ही बता दूंगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो वहीं पे आप इसको नोट कर लेंगे। बाकी आपको कहीं पे देना है बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, कोई इशू नहीं है। सो ड्रॉप या कैप्सूल कोई एक ही देना है, ड्रॉप 1 ml 3 बार या कैप्सूल पर डे 1 खाने के बाद ले सकते हैं। सो दिस इज डन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है?
सीबक डॉग जूस। नाम थोड़ा विदेशी लगेगा सुनने में, बट है देसी प्रोडक्ट, इसमें विदेशी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो सीबक डॉग जूस है, सीबक थॉर्न से बनता है। सीबक थॉर्न एक फल होता है जो आपके शरीर में क्या क्या फायदा करेगा ना, आप मतलब कल्पना नहीं करोगे। आपको लगेगा भाई एक ही प्रोडक्ट इतना फायदा, हाँ जी इतना ही करेगा। तो क्या क्या करेगा समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सीबक थॉर्न का फल होता है ना, विटामिन सी बहुत होता है, और विटामिन सी हमारे किस काम आता है, इम्यूनिटी के काम आता है, स्किन के काम आता है, त्वचा के काम आता है। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं तो जब सीबक थॉर्न के फलों का जूस आप पियेंगे तो फाइबर होता है। फल क्या है, फाइबर। और फाइबर अगर आपके शरीर में गया है तो आपके ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करेगा, और उससे क्या होगा, शुगर हमारा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हमारी मदद होती है इवन शुगर की कंडीशन में भी। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है, जो रक्त प्रवाह उसको फ्लो करता है, तो ब्लड ज्यादा जब जमा नहीं होगा तो हार्ट के रोग बिल्कुल नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल लिवर को एक्टिव करता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या थोड़ी हमारी कंट्रोल रहती है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, आपके शरीर को जिन चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है, शरीर जिन चीजों से बनता है, उसका क्या नाम है। हमारे घरों में बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ईंटें। उसके बिना घर बनाना मुश्किल है। शरीर में एमिनो एसिड चाहिए होता है, वो आपके भोजन से ही जाता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कुछ आपके शरीर में पाए जाते हैं, कुछ बाहर से ही लेना पड़ता है, तो वो सारे जो है इधर से मिल जाते हैं जूस से। और इसीलिए प्रोडक्ट इतना कामयाब, इतना मतलब तगड़ा प्रोडक्ट है ये। इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जा सकता है भाई, इसका प्रयोग तो मतलब कहाँ करें, बहुत आगे जरूरत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिवोडॉक किसी को लीवर की समस्या में दिए, हाँ सीबक डॉक जूस के साथ दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है कह लीजिए कि फाइटर इम्यूनिटी के लिए, हम लोग ज्यादातर शुगर वगैरह की कंडीशन रहती है तो इम्यूनिटी के लिए अपना ये सीबक डॉग जूस ही देते हैं। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्किन वगैरह के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और मैंने शुगर की बात की है तो शुगर के प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि पिछले ट्रेनिंग में तो मैंने कुछ बताया नहीं था शुगर पे, तो अब काफी लोगों को नए होंगे जिनको नहीं पता, और डायबिटीज तो हर जगह है। देखिए फाइटर, शुगर जो होता है ये आपको कंट्रोल खुद से करना। अगर आप ये तय कर लो कि मुझे अपने शुगर को नहीं बढ़ने देना है, और थोड़ा बहुत भोजन का सुधार करें, रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करें, तो भाई ये शुगर उगर कुछ नहीं है। लेकिन हम इसको इतना बड़ा इश्यू बना चुके हैं, हम अपने में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि बस जिंदगी भर गोली खाते रहें, उसी से कंट्रोल हो जाए। भाई आज तक गोली खा के कौन सी चीज कंट्रोल हुई है, गोली इज अ क्विक फिक्स। अब आपने देखा होगा कहीं पर पानी लीक कर जाता है, हम एमसील लगा देते हैं, बस हो गया क्विक फिक्स। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पाइप सही कर दिया है, वो तो बस टेम्परेरी है ना, वो खत्म हो गया फिर लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई। तो हमें शरीर के अंदर वो चीजों को नेचुरली ही सुधारना पड़ेगा, और उसके लिए ही प्रोडक्ट है। तो शुगर की समस्या में क्या उपयोग किया जाए, शुगर की समस्या में फाइटर हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे डाइबोडॉग रस खाली पेट सुबह शाम 2 बार उपयोग में लाइए। दोपहर में खाना खाइए, रात में खाना खाइए, खाने के थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 40 मिनट के बाद सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉग जूस। अगर किसी का उम्र 60 से ऊपर है, 55 से ऊपर है, तो क्लोरोडॉग दिया कीजिए, क्योंकि उनको आगे और भी दिक्कत रहती है। और यदि नॉर्मल व्यक्ति है, आजकल तो 30 की उम्र में शुगर मैं देख रहा हूं, तो ये इसी कारण है क्योंकि गड़बड़ चल रहा चीजें, तो आप उनको सीबक डॉग जूस दीजिए। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर ब्लड प्रेशर अच्छा है तो थंडर यूज करें। मात्रा जो है महिलाओं का 10 ml है, पुरुषों का 15-20 ml के बीच में रहेगा। उम्र ज्यादा है 60, 65, 70, तो 15 ml से ज्यादा नहीं जाएगा पुरुषों के लिए, महिलाओं का तो सेम ही डोज है, बिना दूध के शुगर में यूज होगा। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, थंडर चलेगा नहीं, तो आप नोनी का उपयोग करिए, बहुत ही अच्छा है। एक विटामिन प्रोडक्ट जरूर रखा कीजिए, चाहे मोरी डॉग, चाहे वीटा डॉग, कोई भी एक रख लीजिए, और तुलसी। और फाइटर वैसे मैं शुगर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, बट आज नहीं, क्योंकि वो स्लाइड अभी जो हमारी प्रोडक्ट शुगर का जो प्रोडक्ट है वो अगली मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आएगा, तो उस पे विस्तार से चर्चा होगी। आज तो सीबक डॉग जूस का नंबर था, तो उसके बारे में हमने देखा, तो साइड में ये प्रोडक्ट हमने देखा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट
फाइटर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर, व्हाट इज ए स्लिम डॉग? अब देखिए, स्लिम डॉग को समझने से पहले आप ये समझिए कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, बहुत सारे लोग बेचारे थोड़े डाउट में रहते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी व्यक्ति हैं, जिनको भी शरीर में चर्बी जितनी चाहिए उससे ज्यादा अगर उनके शरीर में है तो मोटापा है। हमें चाहिए थोड़ी थी, हमने बढ़ा दिया उसको। अब ये शरीर में जब ज्यादा हुआ है तो नुकसान तो देखिए पहुंचाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, शुगर डिस्टर्ब करेगा, मतलब तरह तरह की समस्या। अब अपने बॉडी के फैट को कंट्रोल करने के कई सारे तरीके होते हैं, और उसमें से सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना कि हम थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा डाइट कंट्रोल रखें। ये सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअली में, क्योंकि नॉर्मल व्यक्तियों को भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद बताइए कि जिनका बड़ा है उनको तो वैसे ही जरूरत पड़नी है। अब लेकिन हो क्या रहा है कि शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। अब एक्स्ट्रा जो चर्बी है शरीर की, तो देखो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप शरीर में जो भी कुछ खाते हो वो तो पच जाता है। लेकिन जब आपका वेट और बढ़ गया तो शरीर वो ऑटोमेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो फैट बहुत बढ़ गया है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है। तो फिर प्रोडक्टों की जरूरत पड़ती है कि शरीर का जो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है वो सुधारा जा सके। अब स्लिम डॉग पाउडर क्या करेगा? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करें जो एक्सरसाइज जिम करने को थोड़ा रेडी हो जाए और थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करे, जो मैं आपको बता दूंगा अभी, तो उनके लिए प्रोडक्ट कामयाब होगा। क्योंकि जब वो डाइट कंट्रोल करेंगे तो भोजन में कुछ कमी हो जाएगी, उस कमी को पूरा करना। जब वो जिम करने जाएंगे तो उनको करने के लिए स्टैमिना चाहिए, वो ताकत चाहिए, तो उधर से स्लिम डॉग हमने फिर इसमें डाल रखा चीजें। और उनके फैट को भी थोड़ा सा कम रखना है तो वो भी आपका स्लिम डॉग करेगा। तो मल्टी वर्क ये कर लेता है। इसको लोग गलत तरीके से समझते हैं और गलत कॉम्बिनेशन में जब हम देते हैं और परहेज और बाकी की चीजें ध्यान नहीं रखते तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम फिर बोलते हैं अरे ये तो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा। दोस्तों, ये काम करता है, बट इसका कुछ शर्त है, उसके अकॉर्डिंग इसको काम करवाना पड़ता है। तो आप जो भी एक्सरसाइज डाइटिंग के लिए रेडी होता है उसको ही दीजिए, और अकेले मत दीजिए, कुछ और भी प्रोडक्टों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में अलग अलग सिस्टम को सही से एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो क्या चीज है? जैसे सबसे पहले तो आप फिट डॉग पाउडर या वेकचा लेमन लाइम 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के दिन में 2-3 बार दिया जाए, ताकि शरीर की ऊर्जा बनती रहे, आपको दिन में कमजोरी महसूस ना हो, थकान ना लगे, शरीर की गंदगी जो है वो बाहर हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों को प्रयोग करना है ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी कैप्सूल आता है, 1 खाने से 1 घंटा पहले सुबह शाम आप ले लीजिए। लीवोडॉग जरूर लगेगा, बिना लीवोडॉग के आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे। लीवोडॉग मस्ट बी टेकन, खाने से 1 घंटा पहले लीवोडॉग का प्रयोग करना है, और वो सबसे जरूरी होता है खास करके वेट लॉस में, क्योंकि लिवर अगर हमारा काम नहीं करेगा सारा खेल तो उसी का है। और सबसे आखिरी में स्लिम डॉग दिया जाता है। स्लिम डॉग कब दिया जाता है? सुबह जब आप नाश्ता करेंगे तो पहले तो नाश्ता करेंगे क्या? अब नाश्ते में क्या है कि देखिए, जितने भी लोग हमारे देसी भाई लोग हैं और देसी बहन लोग जो भी हैं, तो उनको तो देखो आप बोलोगे भाई तुम ओट्स खाओ, बोलेंगे भाई क्या बकवास है, ओट्स कौन खाता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप चना खा लीजिए। अब उससे देसी आइटम तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, बाकी और कुछ आप ढूंढ सकते हो, प्रोटीन टाइप तो वो खा लीजिए, फल, चना, स्प्राउट, ये देसी आइटम है, दलिया, यही सब आप खा सकते हो, और कुछ वो भारी भरकम चीज नहीं चल सकता, वो बहुत हैवी रोटी सब्जी ये सब अभी नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो आप ये ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद स्लिम डॉग पाउडर थोड़ा सा दूध है या पानी है या थोड़ा फल छोटा छोटा कटा हुआ है उसमें मिक्स करके खा लिया, नाश्ता आपका कंप्लीट है। उसके बाद नंबर आएगा दोपहर का। दोपहर में देखिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, आप जो पहले खाते उसमें थोड़ा बदलाव करिए, चीनी को बंद करिए, चीनी का कोई आइटम मत खाना, मीठे का कोई आइटम नहीं, फल खा सकते हो बट मीठे का नॉर्मल कोई आइटम नहीं खाना। राइस थोड़ा सा डाइट से हटाइए, कभी काल ऐसे खा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको हटाना पड़ेगा। अनाज जो है जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रोटियां हम 10 वो नहीं चल पाएगा भाई, थोड़ा ही चाहिए, 1-2 थोड़ी सी कार्ब्स चाहिए, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी आपके पास है फैट, उससे ऊर्जा मिल जाएगी। और प्रोटीन आप जितना खाना खा सकते हैं, जैसे दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन, जितना खाना खाए उससे कोई आपका वेट का कोई लेना ही नहीं है, सब्जी से कोई लेना देना नहीं है आपका, आलू थोड़ा कंट्रोल करके, और बस ये ध्यान रखिए
बाकी खाने के बाद थोड़ा छाछोस पी सकते हैं, कभी काल पनीर अंडे वगैरह, बट नॉन वेजिटेरियन डाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स ये नहीं चल पाएंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड डिनर मस्ट बी लाइट, ये एक बेसिक भोजन है भाई, ये मेरा भी भोजन है, सबका ही है, ये बेसिक भोजन है, मतलब आप अपने काम के अकॉर्डिंग अगर हम भोजन करें तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। पानी वगैरह देखिए 3-4 लीटर तो पी ही लीजिए, उससे नीचे मैं क्या बताऊं, उससे नीचे तो जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज स्लिम डॉग, इट्स डन। आगे अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है स्टीविया। दोस्तों स्टीविया क्या होता है, देखिए स्टीविया एक तरह का शुगर होता है, लो शुगर होता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपका शुगर ब्लड में नहीं बढ़ता है और इससे आपको क्या है कि शुगर बढ़ने की समस्या नहीं रहती। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए और मोटे लोगों के लिए जिनको शुगर ज्यादा नहीं चाहिए उनके लिए स्टीविया है, कि कोई मीठा चीज खाने का मन करे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अब बताइए मूंग दाल हलवा बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही मजा आता है, लेकिन अब जो शुगर वाले उसमें चीनी डाल के बनाए तो बेचारे तो खा नहीं पाएंगे, तो हम स्टीविया डाल के बना दें, सभी खा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस स्टीविया। ओमेगा डॉग कैप्सूल, दोस्तों ओमेगा डॉग की अगर मैं बात करूं ये क्या चीज है, कि ओमेगा एक तत्व तो होता है जो आपके शरीर में होना चाहिए, और ओमेगा के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे शरीर में क्या है कि ओमेगा के जो अलग अलग टाइप्स हैं इसका संतुलन आपके शरीर में गड़बड़ हो चुका है, इसलिए हमें इसकी जरूरत भी पड़ रही है। ओमेगा जो होता है अगर आपके शरीर में डिस्टर्ब हो जाए तो आपके हार्ट के लिए जो है नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि घटिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारे आंखों के रोशनी पे असर पड़ेगा, रेटिना खराब हो जाता है, हमारे बॉडी में जो एक हार्डनेस आना शुरू हो जाता है जिसके कारण रेमेटाइड अर्थराइटिस होता है, आपकी जो नमी है जब वो कम हो जाएगी तो फाइटर आपको स्किन वगैरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, दिस इज द प्रॉब्लम। तो जनरली लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये है कि सर ओमेगा को तो ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि भाई मछली के लिवर से मिलता है, तो आधा लोग खाते ही नहीं है। सही बात है, वहां से भी मिलता है, बट हमारा वहां से नहीं मिलता है, हमारा जो है वो अलग है, हमारा जो है वेजिटेरियन है, फ्लैक्स सीड है, इससे हमने बनाया इसको। तो ये आपके शरीर में ओमेगा 3 नाम के तत्व को ज्यादा बढ़ाता है जो शरीर में ज्यादा होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ करा जाए, ओमेगा डॉग का देखिए प्रयोग मैंने पीछे आपको समझाया था, आप इसको हार्ट की समस्या में मैंने पीछे बताया था कॉम्बिनेशन, दूसरा आंखों की समस्या जो होती है आई ड्रॉप के साथ प्रयोग करिए, तीसरा स्किन एलर्जी में मैं आपको जब कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो मैं बता चुका था, पीछे भी बताया था आगे भी बताऊंगा, और आखिरी जो होता है अर्थराइटिस। बट देखिए गठिया के कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, तो गठिया के कौन से टाइप में क्या प्रयोग होगा वो जरा समझिए। अब जैसे गठिया की प्रकार होती है जिसको हम बोलते हैं रिमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है कि हड्डियों में बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है, हार्डनेस आ जाता है, और जॉइंट भी बहुत ज्यादा कह लीजिए कि फाइटर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ऐसी अगर समस्या परेशानी किसी को है तो हमें क्या करना चाहिए, तो फाइटर देखिए ऐसी समस्या और परेशानी यदि किसी को है तो हम लोगों को सबसे पहले जो है फाइटर अपना, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है आपको अपना ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार खाने के बाद उपयोग करिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद थंडर ब्लास्ट रस, यदि ब्लड प्रेशर लो है तो आप बिल्कुल दीजिए 10 ml, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 15-20 ml, उम्र ज्यादा है तो 10 ml। थंडर नहीं दे सकते तो फिर आप नोनी का उपयोग करिए। एक ओमेगा डॉग कैप्सूल या कर्की डॉग ड्रॉप या कर्की डॉग कैप्सूल, इनमें से कोई एक उपयोग कर लीजिए। विटामिन्स के प्रोडक्ट में या तो मोरी डॉग या एस्पिरा डॉग या वीटा डॉग कोई भी एक ले सकते हैं, और तुलसी, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका चल जाएगा। और स्पेशली जब गठिया के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दें तो स्पेशली आप ध्यान रखें कि थोड़ा खट्टा चीज, विटामिन सी नहीं चाहिए, और थोड़ा सा साथ में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो ठंडा चीज होता है उनको कंट्रोल रखें। तो दिस इज ओमेगा डॉग कैप्सूल, इट्स डन। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है जी कॉफी डॉग।
गैनोडर्मा। जी का मतलब गैनोडर्मा होता है, और गैनोडर्मा को कॉफी के साथ मिक्स करके ये पाउडर तैयार किया गया है। गैनोडर्मा क्या होता है? देखिए, एक मशरूम होता है, इसका अगर हम पूरा पाउडर तैयार कर देते तो कोई खाता नहीं, क्योंकि टेस्ट तो देता नहीं है ये। लेकिन इसके फायदे की अगर आप बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, फायदे बहुत सारे हैं। अब क्या फायदे हैं भाई इसके? अब आप देखिए कि अब हम लोग संत तो नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस तो हम सभी को होता है। अब हमारा स्ट्रेस हमारे हार्ट और ब्रेन को किस तरह परेशान कर रहा है ये हमारे हार्ट और ब्रेन ही जानते हैं, और वो हमें बता नहीं पा रहे हैं। अगर रो लेते तो रो के बता देते भाई कुछ करो इसका, लेकिन नहीं बता पा रहे, एंड उसका असर हमें बहुत आगे जाके देखने को मिलता है। तो भाई ये जो जी कॉफी डॉग गैनोडर्मा वगैरह होता है, आपके उस हार्ट और ब्रेन को रिलैक्स रखता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपका लिवर एक्टिव रहता है, तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो ऊर्जा बनती रहती है। तो ये दोनों जगह पे ऐसे काम करता है। तो एक तरह से समझिए कि सेफ प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं कि केवल बीमारी में उपयोग होगा, ये नॉर्मली जो है फाइटर हम लोग कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं अपना जी कॉफी डॉग पाउडर। जी कॉफी डॉग पाउडर जो है 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में जो है आप आराम से इसको मिक्स करके आराम से जो है फाइटर इसको प्रयोग में ले लीजिए। सो दिस इज जी कॉफी डॉग। इसको जो है हार्ट की समस्या, ब्रेन की प्रॉब्लम, जहां भी बिल्कुल दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइटर, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है मास डॉग पाउडर। दोस्तों वजन नहीं बढ़ना, मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिशन होता है अगर शरीर में कम कर दिया जाए तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वजन नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वजन का शरीर में सही मात्रा में होना आवश्यक है ना। तो हमारे इस मास स्टॉक पाउडर के थ्रू जिनका भी वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, उनके वजन को बढ़ाने में ये मदद करता है मास स्टॉक पाउडर। तो इसको हमें कितना लेना चाहिए? देखिए इसको मात्रा जो होती है इसकी 30 ग्राम होती है, एक स्कूप जो इसके अंदर स्पून होता है, एक स्कूप सुबह शाम आप ले लीजिए, सुबह दूध के साथ, रात में दूध के साथ, सुबह पानी या फल ऐसे चल जाता है, रात में तो दूध के साथ ही लीजिए। और दोपहर में जो है थोड़ा सा अपना, अगर आपको ज्यादा वजन कम है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इससे आपके शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे विटामिन हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, सब कुछ मिल जाएगा। और हमेशा याद रखें कि जब भी किसी को मास स्टॉक पाउडर आप दें तो फाइटर मास स्टॉक पाउडर को हमेशा लीवोडॉक के साथ प्रयोग किया कीजिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल है। और महिलाओं को अगर आप देते हैं तो गैनेडॉक वगैरह बिल्कुल लगाइए, कोई नुकसान नहीं है। पुरुषों को देते हैं तो थोड़ा थंडर वगैरह प्रयोग कर लिया, बिल्कुल सेफ है, कोई इशू की बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है फेनल टॉक ड्रॉप। फाइटर देखो, पेट की समस्या तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपकी जो पाचन क्रिया है, खाने को पचाने का प्रोसेस ऑटोमेटिक है। अब हम लोग तो पूरा थाली सजा के खा लेते हैं, हमने कभी पेट से पूछा ही नहीं कि भैया तुमको कैसा लग रहा है। अब पूछे भी कैसे, वो तो जवाब देगा नहीं, लेकिन वो जवाब देता है, हम उसको जान नहीं पाते क्योंकि हमें उतना एक्सपर्टीज नहीं है। अब देखो हर खाने में, हमारे भोजन में जितने भी तरह तरह के खाने हैं, हम तो मिक्स करके खा लेते हैं, और लोगों को कहते हुए भी आपने सुना होगा, अरे छोड़ो यार सब खाओ, गले के नीचे गया सब पच जाएगा। भाई ये कहावत ना केवल कहने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। शरीर में हर भोजन की अपनी क्वालिटी, अपने अकॉर्डिंग हर भोजन के पचने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है। और यही बात अगर हम समझ जाएं, पेट की रोग कभी ना हो, लेकिन हम जानते नहीं, हमें तो बस जो मिला वो सब इधर अंदर। अब होता क्या है कि देखिए ज्यादातर लोगों को जो ये पेट में दर्द होता है, पेट में सूजन हो जाता है, आंतों में दर्द होता है, आंतों में सूजन बढ़ जाता है, उसके बाद पूरा गैस बॉडी में है, उनको दिक्कत हो रही है उसके कारण, तो ये हुआ क्यों? कारण ही यही है। तो हमें इन बातों को बहुत ही सीरियसली लेना है। आप अभी आपको लगेगा छोड़ो यार गोली, क्या जिंदगी भर गोली खाना है क्या गैस की? क्यों खाना भाई, गैस समझ तो लीजिए, हो क्यों रहा है, उसको सुधार लीजिए, ठीक हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? तो करना क्या है, जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको बढ़ाइए। अगर कभी कोई इनमें से कोई भी समस्या कोई व्यक्ति आपको बताए तो आप इसको एक समस्या मत समझिए, उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ है।
तो क्या करा जाए सर? तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा एलोवेरा दीजिए, फाइबर बढ़े, खाली पेट सुबह शाम 25-30 ml, दोपहर में खाने से पहले, रात में खाने से पहले लिवोडॉक 1 घंटा पहले दीजिए। लिवर एक्टिव नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। खाने के तुरंत बाद सुबह, दोपहर, शाम जब भी कुछ खाएं, फेनलडॉक ड्रॉप 1 ml 3 बार लीजिए, और फेनलडॉक लेने के 40-50 मिनट के बाद त्रिफला का नंबर आए। ये 4 प्रोडक्ट उनके पूरे पेट के सिस्टम को मेंटेन करेंगे। आप थोड़ा अपने भोजन का ध्यान रखिए, खाने को उल्टे तरीके से नहीं, थोड़ा क्रम में खाया कीजिए। अब क्रम क्या होता है? अब मतलब हम लोग खाने के साथ सलाद खाते हैं, पहले खा लीजिए, सब्जी है तो आप चाहो तो थोड़ा पहले ही थोड़ा खा सकते हो, उसके बाद दाल राइस तो देखो मिक्स करके खा सकते हैं, रोटी के साथ दाल खा सकते हैं, ये थोड़ा बहुत चल जाता है। ऐसा है, हर चीज एक साथ मिक्स नहीं, एक क्रम होता है। तो जितना आप मेंटेन कर पाए करिए, वैसे बाकी मेंटेन तो बहुत कुछ करना है, बट जितना हो सके उतना करिए। तो ये बात है, इसका ध्यान रखिए। सो दिस इज द प्रोडक्ट, और आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है डिजी डॉग पाउडर। फाइटर देखो, डिजी डॉग पाउडर जो होता है, ये क्या चीज होता है? डिजी डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो ये भी पाचन क्रिया के लिए ही काम आता है। एंड शरीर में देखिए क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि आप जो मिक्स फूड खाते हो ना, इसमें प्रोटीन होता है, जैसे दाल प्रोटीन हो गया, इसमें फैट भी होता है, जैसे मान लीजिए पनीर खाया, बटर खाया, फैट हो गया, इसी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, जैसे आपने रोटी चावल लिया, इसी में फाइबर भी होगा, जैसे सब्जी हो गया। अब हम सब तो एक साथ मिक्स करके खा रहे हैं, तो कई बार प्रॉपर पाचन क्रिया ना होने के कारण आपको परेशानी होती है, एसिडिटी हो जाता है, अपच की समस्या हो जाती है, आपको कई बार समय से भूख नहीं लगता है, अल्सर हो जाना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि आप अपनी पाचन क्रिया को सुधारिए, पेट का जो सिस्टम उसको सुधारिए। तो उसके जो प्रोडक्ट है वो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया। इसमें जो है, जैसे मैं बात करूं कि आपका एलोवेरा हमने बताया, लिवोडॉक बताया, त्रिफला बताया, ये तीन तो देखिए मेन है। और खाने के बाद फिनल डॉग की जगह डिजी डॉग डाल दीजिएगा तो जो भी अभी समस्या मैंने बताई वो भी ठीक हो जाएगी। ये 4 प्रोडक्ट बिल्कुल आवश्यक होते हैं, और इन चारों को जरूर लिया कीजिए। और कभी किसी को गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह हो जाए तो भी आप चाहो तो ये 4 प्रोडक्ट दे सकते हो। पेट की समस्याओं के कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन आपको अभी बताया है इसका आप उपयोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फाइटर, ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्की डॉग कैप्सूल। देखिए, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, पीछे मैंने आपको ड्रॉप बताया था तो वहां पे कैप्सूल भी बताया था। तो इनमें से कोई एक ही लेना होगा, और दोनों का काम बिल्कुल सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंस। जो काम कर्की डॉग ड्रॉप करेंगे सेम वो कैप्सूल करेगा। तो अभी थोड़ा समय की मेरे पास कमी है तो मैं ज्यादा इसको और डिटेल में नहीं करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार बोल चुका हूं चीजें। अब हम बात करेंगे मसल डॉग पाउडर के बारे में। फट देखिए, मसल डॉग पाउडर जो होता है ये क्या चीज है? एक्चुअली हमारे शरीर में जो हमारा मांसपेशियां होती हैं उनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन। और जो भी लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको प्रोटीन ही चाहिए। नॉर्मल जो प्रोटीन हम खाते हैं, जैसे अभी मैं ज्यादा जिम वगैरह नहीं करता तो मेरा तो ठीक है, जो दाल जो भी सब्जी घर में हम लोगों ने प्रोटीन खाया उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जब हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे तब आप पावर ला सकते हो, लेकिन ये विकास नहीं करेगा, कि प्रोटीन के बिना वो नहीं कर सकता। और हम लोग ज्यादातर जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? अब या तो खूब पनीर खाएंगे, तो भाई पनीर से फैट भी आपको मिल रहा है जो कि ऑलरेडी आपके पास है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हो, प्रोटीन तो मिलेगा, फैट भी मिलेगा। और वो फैट का क्या नुकसान है, थोड़ा इंतजार करिए, इसका भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो प्रोटीन का एक सही सोर्स होना चाहिए। तो मसल डॉग पाउडर जो होता है, इसमें मिल्क होता है जिसमें हमने केवल प्रोटीन वाला पार्ट रखा है, फैट वाला पार्ट बाहर कर रखा है। वाटर मिल्क जो है इसमें, यानी छाछ, कैसीन, सोया में कोई फैट नहीं होता, पूरा प्रोटीन है। तो इसको ड्राई करके एक पाउडर फॉर्म तैयार किया, और इसके साथ प्रोटीन के साथ शरीर में कुछ विटामिन भी चाहिए होते हैं, तो उसका भी हमने इसमें जिक्र डाल दिया है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है उन्हीं के लिए है जो जिम जाएंगे, बॉडी वॉडी बनाएंगे अपना, और उनके लिए होता है।
कितना लें? देखिए, 2 बार तो फिक्स है, 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को, बिल्कुल फिक्स है। 30 ग्राम सुबह जो है फल के साथ, दूध के साथ, रात में दूध के साथ। और दिन का क्या करें सर? देखो, दिन का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तय होगा कि वो व्यक्ति कितना प्रोटीन बाहर से कवर कर रहे हैं। तो अगर बाहर से वो जितना कवर कर रहे हैं, फिर तो जो है फाइटर उनको बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा देखना है। और मसल डॉग पाउडर को आप किसके साथ दे सकते हैं? देखिए, लिवोडॉग तो पहले नंबर पे है, उसके साथ इसको जरूर टच किया कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जिम वगैरह तो जाते हैं, बट स्टेमिना की कोई वही नहीं है। बॉडी तो बन गई, बॉडी तो शेप में बिल्कुल दिख रही है, बट बोलो कि भाई थोड़ा 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, बस हालत खराब है। क्यों? स्टेमिना ही नहीं है, स्टेमिना नहीं है वो कहां से बनेगी? हाँ तो भाई टेस्टोफास, शिलाजीत, थंडर कोई दीजिए उनको। तो दिस इज मसल डॉग पाउडर, सो डन। अब देखिए, अगले 4 प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, और अगले 4 प्रोडक्ट आप समस्या में तो दे ही दोगे, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इन 4 प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। और ये बात आज आप मे भी माने न माने, मुझे नहीं पता, बट रिग्रेट जरूर करेंगे अगर हम आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितनी जल्दी हम चीजों को एक्सेप्ट कर लें, हमारे लिए बढ़िया है। तो इन 4ों में से एक जो है सभी के लिए जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा, इसका जवाब आप सुनिए। स्पिराडॉग कैप्सूल जो है, ये क्या चीज होता है? स्पिरालूना। दोस्तों, स्पिरालूना एक काई की प्रजाति होती है। आप देखोगे ना, इसका कलर देखोगे, आपको लगेगा भाई ये कैसा घटिया सा, एकदम बदसूरत सा है। लेकिन उसके कलर पे मत जाइए, उसके फायदे पे जाइए। उसके अंदर कैल्शियम आपके दूध के टक्कर को दे सकता है, प्रोटीन आपके अंडे उंडे को बराबर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए गाजर से ज्यादा मिलता है, आयरन जो है पालक से ज्यादा अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात मैग्नीशियम हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, और ये ज्यादातर हरी चीजों में मिलता है। ये इसका कलर बहुत ही गहरा, और जो चीज हमारे नेचर में बहुत गहरा होता है ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। अब चाहे आप ब्लैक अंगूर ले लीजिए, ब्लैक वाला अंगूर ग्रीन वाले से बेटर होता है, इसीलिए कॉस्टली भी आता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। तो हर चीजों की अपनी ब्यूटी है, बस जानने की देर है। तो स्पिराडॉग की नेचुरल मल्टीविटामिन्स है, नेचुरल, इसमें और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप इसको एक टैबलेट लोगे तो आपके शरीर की कितनी सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, यू कांट इमेजिन। आप जो 4 महीने लेके देखिएगा, और थोड़ा अपने डाइट पे ध्यान रखिएगा, शरीर का पूरा एक वे बदल जाएगा। तो ये एक हो गया। दूसरा दूसरा जो है मोरी डॉग कैप्सूल, इसकी खूबसूरती तो और है। अब इसको क्या है, अब हमारे ग्रुप में, मतलब मेरे एज ग्रुप में जितने भी लोग 25 से लेके 35 के बीच में है, हम लोगों की क्या सोच है? हम लोग यही सोचते हैं, कभी ना कभी दिन या रात में एक बार ये सोच जरूर लेते होंगे कि भाई देखो, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हार्ट की बीमारी ना हो। हम ये जरूर सोचते हैं कभी ना कभी कि 20 साल बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। बट यही सेम बातें मे भी हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी सोचते होंगे, और लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी तो नहीं है। आज देखिए, जिनके घर में नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूँ शुगर किसी को है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को ब्लड प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि समय रहते तो हमने ध्यान दिया नहीं, अब वो समय पास हो गया, शरीर भी कमजोर हो गया, उतनी रिएक्ट भी नहीं कर रहा। अब आपका जो मोरी डॉग होता है, मोरिंगा ड्रमेस्टिक को बोलते हैं इसको, इसके पत्ते क्षारी होते हैं, ब्लड एसिडिटी को डाउन कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्या नहीं बढ़ती, होगी ही नहीं भाई। इसके अलावा जो है, अगर बात की जाए इसके बीज, इसको बीजों की जो ब्यूटी होती है, ये आपके शरीर में फाइटर आपका जो एक लिवर एक्टिव करेगा तो पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बनेगा, तो हमारे लिए तो बढ़िया बात है। और इसके अलावा और भी फायदे इसमें, पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम भरा पड़ा है। तो मोरी डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है, खास करके यंग लोगों के लिए, एक ही प्रोडक्ट उनके शरीर की क्रियाओं पे और शरीर में होने वाले कमियों को, दोनों को पूरा कर सकता है। बट ये है कि हम लोग थोड़े जल्दीबाजी में रहते हैं, 2 महीना खाया सर कुछ हुआ नहीं, 2 महीना खाया और कुछ हुआ नहीं, तो फाइटर इसका जो है थोड़ा सा हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो है फाइटर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो आप 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद इसको आराम से ले लीजिए। एंड दूसरी बात,
कई बार आप लोग को ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको थोड़ा सा क्या है कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है, शुगर भी होता है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, हार्ट की भी तकलीफ है, तो क्या किया जाए? तो करना क्या है, कुछ कॉम्बिनेशन दे दीजिए। कौन सा दे दें सर, दोनों समस्या है। तो सबसे पहले तो शुगर वाला दे दीजिए, डाइगोडॉक्स सुबह शाम खा ली पेट 20-25 ml। दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद सबसे पहले सीबक डॉक लगाइए, क्योंकि वो शुगर और ब्लड प्रेशर हार्ट दोनों के लिए बढ़िया। सीबक डॉक के साथ जो है थोड़ा सा हम कार्डियो डॉक यूज कर लें, उसके बाद जो है नोनी का प्रयोग करें, दोनों जगह काम करता है। और आखिरी में मोरी डॉक कैप्सूल का उपयोग करिए या फेनिब्रिक एक्सट्रैक्ट, इनका उपयोग करिए, दैट्स इट। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, और ये कहाँ काम आएगा ये भी बता दिया, क्या फायदा करेगा ये भी बता दिया। नेक्स्ट काउसी डॉग। दोस्तों काउसी डॉग को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, इसको पहले सुन लीजिए, फिर बाकी की चीजें तो अपने आप सही हो जाएंगी। इसमें जो है फाइटर, काउसी डॉग जो होता है ये क्या चीज है? काऊ तो देखो आपको पता है, गाय हमारी माता, तो हम लोगों ने बहुत निबंध लिखा होगा, तो ये तो पता ही है। सी का मतलब होता है कोलेस्ट्रम, गाय के जो दूध होते हैं बच्चे होने के बाद उसको। अब इसका क्या जरूरत है शरीर को, इसको समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। अब देखो क्या होता है कि हम लोग के फादर लोगों ने जो घर बनाया है, तो ऐसा तो नहीं है ना, वो घर कभी मरम्मत नहीं किया हमने, उस घर का हर 2-4, 5 साल, 6 साल जब भी थोड़ा मरम्मत तो होता है ना, ये टूट गया वो टूट गया, ये पेंट वो पेंट, चलता है। अब ऐसा तो नहीं है वो घर 100 साल पुराना है, उसका कोई मरम्मत नहीं, अभी तक एकदम वैसा ही है, तो उसका तो हम मरम्मत कर लेते हैं, शरीर का कौन करेगा भाई? हमारा शरीर जब हम ग्रो करते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो शरीर बिल्कुल नया होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर में डिफेक्ट आते हैं। तो शरीर तो देखिए ऑटोमेटिकली काम करता है, मरम्मत खुद ही कर लेता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे। अब वो हम दे नहीं रहे तो मरम्मत हो भी नहीं रहा है, और आज यही हो रहा है। आज देखिए कि इसका क्या रिजल्ट है, ये गठिया क्या, आपके घुटने के बीच की जो नमी है कम हो रही है, मतलब क्या, कार्टिलेज आपका खराब हो रहा है, मरम्मत नहीं हुआ है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ऊपर से आप देखिए कि लिगामेंट कमजोर हो जा रहा है, हमारे शरीर का जो लचीलापन है, जो एक फिटनेस है, पहले के लोग 100 साल में भी क्या उनके बॉडी को किधर भी मोड़ मड़ो करते थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, आज नहीं है। दिस इज ड्यू टू कमियां, जो भी आपके पोषक तत्व की कमी उसके कारण। तो काउसी डॉग जो होता है, जब इसका प्रयोग करेंगे तो इससे क्या क्या मिलता है? विटामिन, विटामिन डी मिलेगा, B12 मिलेगा, एमिनो एसिड, शरीर को बनाने में सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता पड़ती है, मरम्मत यही करता है। उसके बाद मिनरल्स, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, तो सब कुछ अवेलेबल है इसमें। तो ये एक बहुत ही मास्टर प्रोडक्ट है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो बोले भाई गठिया तो नहीं है बट चलने में मेरा पैर खींच जाता है, नसें खींच जाती हैं, बस समझ जाइए उसका बेचारे का मरम्मत हो नहीं रहा, उसको दिक्कत हो रही है, हाँ तो काउसी डॉग रेगुलर ले, थोड़ा थोड़ा वगैरह ले सकता है। बाकी जो खेल कूद करने वाले लोग हैं उनको आप आराम से दे सकते हैं। महिलाओं के लिए एक मल्टी विटामिन के रूप में या नॉर्मल आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और गठिया का एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज खराब होता है, नमी घट जाती है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट थोड़े सेम है, जैसे ऑर्थोडॉक तो सेम है, मैंने पीछे बताया था कितना देना है, थंडर या नोनी में से हमें क्या कौन सा लेना है वो भी बताया था, तीसरे नंबर पे काउसी डॉग डाल दीजिएगा जो स्क्रीन पे है, चौथे नंबर पे एक मोरी डॉग है, स्पिरा डॉग है, वीटा डॉग को एक और तुलसी, ये कॉम्बिनेशन दे दीजिए। सो दिस इज काउसी डॉग कैप्सूल, तो जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार से इसको आराम से। नेक्स्ट है वीटा डॉग। दोस्तों वीटा डॉग की अगर मैं बात करूं तो ये सेम ही प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन्स होते हैं सारे, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वीटा डॉग का तो जिक्र आपको पता ही चल रहा है कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो शरीर में देखिए क्या है कि कुछ ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जिसको आप कम नहीं कर सकते, और रोज आपके शरीर में जाना भी चाहिए, जैसे B12 है। अब B12 की कमी ज्यादातर महिलाओं में, शाकाहारी लोगों में रहता है तो इसमें पड़ा हुआ है, विटामिन D3 हमारी इम्यूनिटी के लिए, जिंक आपका, कैल्शियम आपका, इनमें पड़ा हुआ है, तो एक हाई मल्टी विटामिन है। तो इन चारों में से देख लीजिए आपका कौन सा है, और बाकी जिन समस्या में जैसे मैंने बताया उस प्रकार से उसको प्रयोग में ले लेंगे। हाइट डॉग,
फाइटर हाइट जो है क्यों नहीं बढ़ पाता? देखिए बच्चों की ही मैं बात कर रहा हूँ, बड़ों में तो कोई बात करने का कोई मतलब है नहीं। एक्चुअली बच्चों के शरीर में क्या रहता है कि जब सही पोषण नहीं जाता उनके शरीर में तो शरीर का विकास हो ही नहीं पाता, और शरीर का जब विकास नहीं होता तो शरीर में क्या है कि ग्रोथ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नहीं बनते, तो बनेंगे नहीं, तो हाइट क्या, बॉडी ही ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उनको थोड़ा सा पोषक तत्व तो बढ़ाया जाए शरीर में, और बाकी के कुछ पीने वगैरह के प्रोडक्टों के साथ इसको उपयोग में लिया जाए तो उनकी जो हाइट वगैरह होती है बढ़ जाती है, हार्मोन प्रक्रिया वगैरह ठीक हो जाती है तो हाइट बढ़ जाएगी। तो अगर बच्चे की उम्र 10 साल से नीचे है तो बेस्ट है आप जो है किड्स टॉक 10 ml दे दीजिए, हाइट ड्रॉप पाउडर जो है वो आप आराम से 30 ग्राम जो है दे दीजिए, माफ कीजिएगा 10 साल की उम्र है तो 20 ग्राम दूध के साथ दीजिए। और बड़े हैं बच्चे 11 साल से 18 19 साल के तो थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, हाई टॉक पाउडर 30 ग्राम दूध के साथ 2 बार, प्रो डॉक 1 बार ले लीजिए 15 से 20 ग्राम, अपना जो है इम्यूनो डॉक 5 से 10 ml, ये कॉम्बिनेशन चलेगा। तो धीरे धीरे जब उनकी पोषण की प्रक्रिया बढ़ेगी, शरीर की क्रिया अच्छी हो जाएगी, तो फाइटर हाइट वेट तो अपने आप ही बढ़ जाना है। तो दिस इज हाई टॉक पाउडर डन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं फिट डॉक पाउडर, थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने स्लिम डॉग पाउडर जब आपको समझाया था फिट डॉग पाउडर वही बता दिया था कि फिट डॉग पाउडर नाम का भी कोई चीज होता है। हमारे शरीर में जब भी हम किसी को वजन को कंट्रोल करने के प्रोडक्ट देते हैं तो जनरली थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जैसे शरीर में ज्यादा कचरा है तो शरीर में चर्बी को कम नहीं होने देता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है आपकी भूख को कंट्रोल करना, और उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं फाइटर, तो हमारे शरीर की ऊर्जा का लेवल भी मेंटेन होना पड़ता है। तो फिट डॉग पाउडर इसीलिए हम लोग वेट लॉस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में देते हैं, अब चाहे वो स्लिम डॉग हो चाहे वो वियो डॉग हो। तो 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के इसको लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो बड़े प्रोडक्ट अगर आपका कोई नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, छोटे ट्राई करवाइए, वो कहीं गया नहीं क्लाइंट आपका, वो अभी थोड़ा इंतजार है जो है, आप उसको जो है छोटे प्रोडक्ट जो है ट्राई करवाइए। छोटे प्रोडक्ट जैसे फिट डॉग पाउडर जो है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ उसको उपयोग करिए, और साथ में ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी या नेचर बाइट टैबलेट एक नाश्ते से पहले या खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई ऐसा है क्योंकि और कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो ही है, तो इनको आप इस तरह से कॉम्बिनेशन में उपयोग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है इम्यूनिटी ड्रॉप। देखिए हमारे पास इम्यूनिटी के वैसे तो काफी प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया कि देखिए हम सभी का ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। अब हमने इसको ये बनाया कि चलिए भाई कोई बड़ा प्रोडक्ट प्रिफर नहीं कर रहा है, छोटा तो प्रिफर करेगा ही, तो इसमें सारे ऐसे तत्व तो पड़े हुए हैं जो आपके शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी बुखार, बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, छोटा है ना। तो 2 स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml गर्म पानी में डाल के सिप बाय सिप इसको प्रयोग किया जाता है, कहीं भी आप लगा सकते हो, सर्दी जुकाम खांसी के प्रोडक्ट के साथ कहीं भी चल जाता है। दोस्तों गिलोय क्या होता है? देखो गिलोय की अगर मैं बात करूं तो गिलोय जो हमारा होता है, गिलोय जो आपका होता है, तो गिलोय जो है फाइटर, ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे शरीर के बचाव के लिए बहुत काम आता है, बाकी समस्या में तो दे ही देंगे लेकिन बचाव के लिए, हमें खुद भी तो बच के रहना है। तो हमारे शरीर का जो एक इम्यून सिस्टम होता है, जैसे हमारा गले का, सांसों का, पाचन क्रिया का, स्किन, ये सब ऑन पॉइंट होने चाहिए। तो गिलोय जब आप रेगुलर सेवन करते हो तो सबसे पहले स्किन का सिस्टम अच्छा, तो एजिंग जल्दी नहीं होगा, सांसों का सिस्टम अच्छा तो अस्थमा, सांसों की तकलीफ, सर्दी खांसी जल्दी नहीं होगा, आपकी जो अगर पाचन का सिस्टम सही है तो शुगर, अर्थराइटिस, पाचन क्रिया सब ठीक ठाक रहेगा। तो ये प्रमोशन यानी आपको बचाने का काम करता है, जो समस्याएं आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हो रही वो आपको नहीं होंगी। तो ये इस तरीके के हैं, और बाकी इम्यूनिटी का सबसे छोटा प्रोडक्ट है हमारे पास, वैसे इम्यूनिटी के तो काफी प्रोडक्ट हैं, कभी अगर सारे प्रोडक्ट ना मिले तो गिलोय का यूज कर लीजिएगा, गिलोय का कैप्सूल भी है, जूस भी है। इसको हम जनरली कहाँ यूज करें, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को फीवर डॉग दिया बुखार के लिए, तो
तो वहां आप योग कर लें। हमने जो है फाइटर में बात किया कि थोड़ा सा जो है कह लीजिए कि वायरल डॉग दिया खांसी के लिए, तो गिलोय वहां यूज कर सकते हैं। कफ डॉग खांसी के लिए गिलोय वहां चल जाता है, तो इस तरह से इसका काम हो जाता है। तो दिस इज गिलोय एंड उसका कैप्सूल जूस देखा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अब देखते हैं, दैट इज नोनी। नोनी जो होता है फाइटर, ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कैसे हो गया भाई? देखिए ऑलराउंडर कैसे हो गया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखिए शरीर में क्या है कि आप मुझे बताइए कि हम कितनी लापरवाही करते हैं, ये अपने आप से हमें पूछना है। आपको देखिए कि हम जब घरों में, हम कोई भी घर बनाए, अपने घरों में अगर हम खिड़कियां या ग्रिल हम लगाते हैं, लोहे का ही जनरली लगता है, लेकिन उस पर कोटिंग करवा लेते हैं या हम पेंट लगवा लेते हैं या कुछ उसका कोटिंग वोटिंग रहता है ताकि उसपे पानी के कारण जंग वगैरह ना लगे, चाहे दरवाजे हो, कोटिंग हो जाती है उसपे। अब हम ये इंतजार तो बिल्कुल नहीं करते कि भैया पहले उसको जंग लगने दो, फिर कोटिंग करवाएंगे, फिर पेंट लगाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते। शरीर के साथ ऐसा क्यों? शरीर से क्या दुश्मनी है भाई? अब शरीर के साथ यही करते हैं। हमारे लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। शरीर में भी सेम वही क्रिया चलती है। आपके शरीर में भी पाचन क्रिया के दौरान ये रासायनिक क्रिया चलती है जो फ्री रेडिकल्स बनाता है, और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेगा, बस आपको कैंसर, बालों की समस्या, स्किन की समस्या, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गठिया की समस्या, शुगर की प्रॉब्लम होगा। तो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट जो आपका होता है फाइटर, ये कहां से आता है? एंटीऑक्सीडेंट जो आपका होता है, ये हमारा आपका आता है अपने नूनी से, बेरी डॉग जूस से, शॉर्ट 30 से। तो इसीलिए नूनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं भी चल जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके फ्री रेडिकल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसका हर जगह उपयोग होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे शरीर को बनाने के लिए, मरम्मत के लिए जो चीजें चाहिए उसको एमिनो एसिड बोलते हैं, तो वो भी मिल जाता है, तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइटर ये नोनी है, बाकी आपकी मर्जी है, जहां आपको प्रयोग करना है बिल्कुल करिए, कोई नुकसान की बात बिल्कुल नहीं होती है। दिस इज अश्वगंधा। अवश्य तो अश्वगंधा की सारी चीजें मैं हर प्रोडक्ट में बताती ही देती हूँ, क्योंकि अश्वगंधा ज्यादातर प्रोडक्टों में है। तो अश्वगंधा एक इंडियन जड़ी बूटी है और इसके फायदे काफी हैं। स्पेशली इसका यूज हम मेंटल स्ट्रेस के लिए करते हैं, मानसिक तनाव के लिए। एंड अगर आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहता हो तो थोड़ा हर्बल टी या जी कॉफी डॉक, अश्वगंधा या जिनसेंग, इनमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत साथ में शारीरिक कमजोरी भी कंट्रोल रहेगी और स्ट्रेस भी आपका कंट्रोल रहेगा। तो पर डे 1 टैबलेट खाने के बाद अश्वगंधा का आप कॉम्बिनेशन या तो थंडर के साथ रख सकते हैं, टेस्टो साथ के साथ रख सकते हैं, टेस्टो फास्ट के साथ, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ रख सकते हैं। अश्वगंधा महिला भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं खाली पुरुषों को लेना है। तो दिस इज अश्वगंधा टैबलेट एंड दिस इज जिनसेंग। देखो जिनसेंग भी एक्चुअली अश्वगंधा की फैमिली का है, बट ये कह लीजिए कि हमारे पड़ोसी देश में ज्यादा उगता है, तिब्बत, चाइना। जिनसेंग का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, अश्वगंधा से ज्यादा। इसका सबसे ज्यादा काम हमारे मेंटल ब्रेन फंक्शन के लिए होता है, तो यही कारण था कि आपको जो ब्रेन की समस्याएं थी वहां पे जिनसेंग बताया गया था। तो अगर हम ब्रेन की समस्याओं में ब्रेन लॉक वगैरह का उपयोग कर सकते हैं तो जिनसेंग का भी प्रयोग हो सकता है, या थंडर ब्लास्ट अगर हम ब्रेन की समस्या में करते हैं तो जिनसेंग भी यूज हो सकता है। तो जो लोग मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, यूज जिनसेंग 1 टैबलेट खाने के बाद उसको प्रयोग में आप ले लीजिए। सो फाइटर दिस इज इट, आज का पार्ट हम लोग यहीं तक रखते हैं। वैसे तो प्रोडक्ट अभी, देयर इज स्टिल सम प्रोडक्ट लेफ्ट, और भी प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं जो हमें जानने हैं, बट हाँ जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या उसकी खासियत है, क्योंकि बिना खासियत को समझे तो कोई काम होना नहीं। तो फाइटर देखिए, आज जितनी बातें अभी आपको बताई गई हैं ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपने लिखा है तो इसको थोड़ा देखते रहिएगा, देखने से दिमाग में वो चीजें सेट होंगी, और सेट होंगी तो फील्ड में आपको किसी के सामने अपने बातों को रखने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि देखिए आप क्या बोलते हो ना वही आपके बिजनेस की दिशा को तय करेगा। अगर हम कंफ्यूज होके बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है, तो हमें उस डाउट को क्रिएट करने का स्कोप नहीं रखने देना है। तो वेल प्रिपेयर्ड, तैयारी करके जाना चाहिए। आप कम बोलें पर
बट सही सटीक होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को क्लियर क्रिस्टल बातें क्लियर हो, उसकी कोई ऑब्जेक्शन हो। तो आपकी ट्रेनिंग में इतनी बातें तो देखो बता दी जाती है कि अगर किसी का ऑब्जेक्शन भी आ जाए तो आप बिल्कुल हैंडल कर लो, अगर आपने चीजों को सही से समझ के अगर नोट किया है तो। बाकी जो हमारे नए मित्र पहली बार इस ट्रेनिंग में आए थे, चाहे वो कोई भी हो, हाँ कुछ भारी भरकम शब्द आपको तकलीफ जरूर पहुंचाए होंगे, तो इसके लिए माफी तो जरूर चाहूंगा, बट इसका कोई मेरे पास उपाय भी नहीं है। ब्रेन नई चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, सोचता है भाई कहां से आ गया, बट वो जब ट्रेनिंग में आप रेगुलर आओगे तो बस एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसको लग जाएगा अच्छा पहली बार तो ये देखा था, तो उसको समझ आ जाती है। तो बस उसकी आदत बनाइए और कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये चीजें बहुत आसान है, बस दो चार बार सुनने की देरी है। सो फाइटर आज का पार्ट मेरे लिए इतना ही रहेगा, एंड आप लोगों का जो सहयोग मिला इसके लिए दिल से आभार, एंड अगली ट्रेनिंग भी जल्दी करी जाएगी, तो उसमें हम फिर आगे के प्रोडक्ट के जो फूड केयर के बच्चे हैं उसको देखेंगे, और साथ में थोड़े मेकअप मंत्रा वगैरह को देख के पूरा जो कंप्लीट साइकिल है जो हमने इम्यूनो डॉक्स से शुरू किया था वो कवर हो जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच सर। सो यशपाल सर आप बताएं अगर किसी का कुछ है आपके पास डाउट वगैरह। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बेस्ट ट्रेनिंग हमारे फाइटर्स को दिया, और सर ग्राउंड में बहुत ज्यादा जब से आपका सेशन इन लोगों को मिलने लगा है तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी आ रहे हैं। मेरे पास सर एक कॉल आया अभी से, एक है जयपुर से, उनका सर है कहना कि पैरालाइज हो रखा है बंदे को 3 साल से, वो पिछले 3 महीने से वो 5-6 प्रोडक्ट चला रहे हैं सर, थंडर ब्लास्ट है, कार्डियोडोग, ब्रेनडोग, क्लोरोडोग, लीवोडोग और डेलिफ्ट। अभी समस्या आ रही है सत्यम सर, उनको खिंचाव आ रहा है, बॉडी में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? इन प्रोडक्टों को थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं और अभी चेंज कर सकते हैं सर, थोड़ा सा क्या है डोज को कम कर देंगे, क्योंकि वो जो है ना मतलब जो प्रोडक्ट हम पी रहे हैं वो बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है, बट वो ज्यादा एक्टिविटी जो व्यक्ति है वो नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण उनको महसूस हो रहा है वो खिंचाव। तो कार्डियोडॉग क्यों दिया, उनका ब्लड प्रेशर का भी इशू था क्या? जी जी बीपी का है। तो बीपी का है तो सर फिर उसमें आई थिंक थंडर तो नहीं देना चाहिए फिर। थंडर सर बंद कर दिया उन्होंने, अब बंद कर दिया है ना, तो थंडर अगर बंद कर दिया है तो फिर कार्डियोडॉग दिया है। एक आप चाहो तो कार्डियोडॉग के साथ जिनसेंग ट्राई कर सकते हैं या शिला जी ट्राई कर सकते हैं, और कुछ तो बाकी नहीं चेंज करना है, बाकी डोज को थोड़ा लाइट करके चलाएंगे। कोई भी अगर ऐसा कभी भी दिक्कत है इनकेस फ्यूचर में, कभी भी आप कभी किसी को कोई प्रोडक्ट दे दो, क्या होता है कि जैसे ये केसेस आते रहते हैं कई बार, देखिए होता क्या है कि आजकल जैसे बच्चे हैं या हमारी जो है, तो हम लोग अपने बचपन में बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों का रस वगैरह कभी पिया नहीं, लेकिन हम लोग के फादर और हमारे ग्रैंड फादर लोगों ने पिया, तो शरीर में बहुत सारा जेनेटिकली चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, बदलाव हो रहा है, हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तो और भी गायब है, तो ये चीजें जो है शरीर कई बार पहचान नहीं पा रहा है, हमारे शरीर में सिस्टम होता है, तो कई बार किसी में बहुत अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल स्मूथ कोई दिक्कत नहीं, किसी में थोड़ा सा लेट है, किसी का अप डाउन होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डोज लाइट कर दिया कीजिए, 2 बार चल रहा है 1 बार कर दीजिए, जब बॉडी उस चीज को एडजस्ट कर लेगा अपने आप सेट हो जाएगा चीजें, तो इसका सर ध्यान रखवा दीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही था, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं बट टाइम का कम है, इन्होंने अभी क्या करेंगे, सभी लोग गुरुजी सभी लोग क्या चाहते हैं सत्यम सर, बात करना चाहते हैं, अब 500 से तो बात हो नहीं सकती, अब हर एक मैसेज आ रहा मेरे पास सर, मेरा कॉल, अब क्या टाइम, काम क्या सर आप कर सकते हैं, मैं आपको एक सलूशन दे दूंगा, बट देखिए उसका वो टेक्निकल पार्ट है, लेकिन वो उसका सलूशन मैं आपको बना के भेजूंगा, गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, गूगल फॉर्म होता है उसमें आप सभी अपने अपने रिस्पॉन्स डाल सकते हैं, क्वेश्चन ट्रेनिंग से पहले मेरे पास आ जाएगा, तो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड रहते हैं कुछ क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे कॉम्बाइंड और सबके, फिर उसमें तो सबका ही आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस से बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं ये परमिशन ये समाधान हो जाएगा, तो बहुत लोग अभी भी कॉल कर रहे हैं कि सर मेरी बात करा दो, अब सर मैं 500 लोगों की बात नहीं करा सकता, सर मेरे पास दिन भर फोन आते हैं, हाँ आप लोग को भी कई बार तो प्रश्न फोन छूट जाते हैं मेरे से, तो वो सबके साथ मेरे साथ इश्यू है, बट इसका समाधान हम लोग ढूंढने का प्रयास करें, मैं ऑफिस से बात करूंगा इस प्रोसेस के बारे में, जैसे ही वहां से मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा तो ये सिस्टम हम सभी टीमों के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो सबका प्रश्न मेरे पास आ जाएगा ट्रेनिंग में थोड़ा 10 मिनट पहले आगे उसको डिस्कस कर लेंगे, तो सबका
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं जल्दी इस पे कुछ काम करूंगा एंड फाइटर, तब तक के लिए तो अभी आप आज का इजाजत दें क्योंकि मेरी अगली ट्रेनिंग भी है, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा फिर अगली ट्रेनिंग भी स्टार्ट करूंगा मैं। सो साथियों आज हमारे कंपनी ट्रेनर सत्यम सर ने इतनी बेस्ट ट्रेनिंग दी और इसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जब से सर का सेशन शुरू हुआ है सच में रिजल्टों का तो पिटारा खुलता जा रहा है और मैं चाहूंगा सारे फाइटर्स हाथ ऊपर करके एक दमदार तालियों से सर का धन्यवाद करेंगे कि सर ने इतना बेस्ट ट्रेनिंग दी। तो अगेन सभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सत्यम सर आपने जो एजुकेशन दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विश यू थैंक यू वेरी मच फाइटर, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।